कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद आज हम टॉपिक लेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पे चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पे चर्चा करने से पहले मैं आपको भाग 5 के बारे में बता देता हूं जिसकी आज हम शुरुआत करने वाले। संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं और 22 भाग में से आज हम भाग 5 पे चर्चा स्टार्ट करेंगे। भाग 5 जो पॉलिटी का कोर टॉपिक कहलाता है, सेंट्रल टॉपिक कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है भाग 5। 22 भाग में से जो मोस्ट ऑफ जो पार्ट है पॉलिटी का वो है भाग 5, और भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख मिलता है। भाग 5 का संबंध किससे है? संघ सरकार यानी केंद्र सरकार से संबंधित है। भाग 5 का संबंध है संघ सरकार या केंद्र सरकार से, और आज हम संघ सरकार और केंद्र सरकार में देखेंगे कि संघ सरकार किसी भी सरकार के 3 भाग होते हैं, भले वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, उन्हीं पे अपन चर्चा करेंगे। तो भाग 5 का संबंध संघ सरकार से, और भाग 5 का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, भाग 5 का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। आपको तब भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, उसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 के बीच मिलता है। भाग 2 नागरिकता, जिसका उल्लेख 5 से 11 के बीच मिलता है। भाग 3 नागरिकता सॉरी भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35 के बीच, और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच, और भाग 4 के मूल कर्तव्य 51 के, और नेक्स्ट भाग होता है भाग 5 और जिसका उल्लेख 52 से 151 के बीच मिलता है। दोस्तों हम इसमें संघ सरकार के बारे में भाग 5 में क्या क्या आता है उस पर चर्चा करेंगे। हमने कहा सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, नाम सुना होगा कार्यपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट में संसद भी कहा जाता है, और तीसरा होता है आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग माने जाते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है यानी संसद का कार्य होता है कानून को बनाना, विधि का निर्माण करना, उसको इंप्लीमेंट करने का काम होता है कार्यपालिका का, लागू करने का कार्य होता है कार्यपालिका का, और सही है या गलत इसका डिसीजन कौन करता है? न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं व्यवस्थापिका जो विधि बनाने का काम करती, और आपको पता है ये देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी? संसद है, और उसको लागू करने वाला कार्यपालिका होता है, और सही या गलत का डिसीजन करने वाली न्यायपालिका होती है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसका भाग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका का, कार्यपालिका किसका भाग है? सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति किसका भाग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका का, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री किसका भाग है, कार्यपालिका का भाग है, व्यवस्थापिका का है या न्यायपालिका का, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में से मिलते हैं। जैसे हमने कहा भाग 5 का उल्लेख 52 से 151, तो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है 52 से लेके 78 तक आपकी कार्यपालिका है, 79 जहां से संसद की शुरुआत होती है, 79 से लेके 123 तक व्यवस्थापिका मिलती है, और 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट, जो हम पढ़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद एक और भाग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसका उल्लेख मिलता है 148 से 151 के बीच। यानी सरकार के 3 अंग होते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और ये सरकार के 3 अंग होते हैं, और इनके खर्चों की जांच करने वाली होती है केग, और केग का उल्लेख मिलता है 148 से 151 के बीच। देख लीजिए हमने 52 से शुरुआत की थी और कहां तक पहुंच गए? 151 तक पहुंच गए।
52 से लेके 151 तक किस भाग का उल्लेख है? भाग 5 का। किस सरकार का है? संघ सरकार का। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? भाग 5 में। और इनमें से हमने क्या पढ़ लिया है? सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया है, अब हमें कार्यपालिका पढ़नी है और संसद पढ़नी है। तो इस पे अपन पहले कार्यपालिका के साथ शुरुआत करते हैं, फिर संसद पढ़ लेंगे और सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ ही लिया है, फिर हम केक पढ़ लेंगे। इस प्रकार आपका भाग 5 क्या हो जाएगा? कंप्लीट। जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो पुराने वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज हम बात करें कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो आपको बता देते हैं कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है 52 से 78 तक। और आपको पता है 52 में किसकी शुरुआत होती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में मिलता है? 52 में। तो 52 से किसकी शुरुआत होती है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है 52 से लेके 62 के बीच। 52 से लेके 62 तक किसका उल्लेख मिलता है? राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल है, क्योंकि 63 में उपराष्ट्रपति आ जाता है। जो 63 में आता है वो क्या जाता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख मिलता है, उपराष्ट्रपति का जो मुख्य उल्लेख मिलता है वो मिलता है 63 से लेके 70 तक। 63 से लेके 70 तक उपराष्ट्रपति का। और 71 तो आप जानते ही, 71 में लिखा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। यानी 71 आर्टिकल राष्ट्रपति से भी रिलेटेड है और उपराष्ट्रपति से। और 72 में राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति आती है। और उसके बाद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, किस आर्टिकल में लिखा? 74 में। और 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख मिलता है, 75 में प्रधानमंत्री का। और यही मिलता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, संघीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। क्योंकि आपको पता है मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। और इनका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 75 में। इनका उल्लेख आर्टिकल कौन से में? 75 में। और महान न्यायवादी, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन भारत का प्रथम कानूनी नागरिक मान्यवादी होता है। भारत सरकार को कानूनी मामलों में जो सलाह देता है वो मान्यवादी होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन कि भारत का प्रथम विधिक या कानूनी नागरिक कौन होता है? मान्यवादी होता है, जो भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। और इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों आर्टिकल 76 में। फिर 77 आप जानते ही हो, 77 में भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होती है। और 78 में लिखा है प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को क्या दे? सूचना दे। यानी ये आपके आर्टिकल कंप्लीट हो गए 78 तक। 52 से लेके कहां तक? 78 तक। ये सारी क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। 52 से लेके 78 तक ये सारी की सारी क्या कहलाती है? कार्यपालिका। इसका मतलब राष्ट्रपति किसका भाग है? कार्यपालिका का, क्योंकि ये 52 से 78 के बीच ही आता है। और उपराष्ट्रपति भी किसका भाग है? कार्यपालिका का। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका का भाग है। और महान न्यायवादी भी कार्यपालिका का ही भाग है, क्योंकि कार्यपालिका 52 से लेकर कहां तक होती है? 78 तक होती है। और 78 तक जो भी आते हैं वो किसके भाग होते हैं? कार्यपालिका के भाग होते हैं। आपसे एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री किसका भाग है? कार्यपालिका का भाग है। आपसे पूछे महान न्यायवादी किसका भाग है? कार्यपालिका का भाग है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसका भाग है? कार्यपालिका का भाग है। और ऐसा पूछ ले राष्ट्रपति का उल्लेख किस भाग में है? 5वें। उपराष्ट्रपति का उल्लेख 5वें। प्रधानमंत्री का उल्लेख 5वें। और महान न्यायवादी का उल्लेख 5वें। और ये आर्टिकल यदि आपसे आर्टिकल पूछे तो क्या पूछ सकते हैं? या तो आपसे आर्टिकल पूछ सकते हैं या कौन से भाग में। आप सभी लोगों को आर्टिकल तो याद रहते हैं, कई बार पूछ लेते हैं महान न्यायवादी किस आर्टिकल में, सब बता देते हो अटॉर्नी जनरल 76 में। लेकिन ऐसा पूछ ले महान न्यायवादी किस भाग में आता है, तब आपका आंसर क्या होगा? भाग 5। महान न्यायवादी भाग 5 में आता है, लेकिन आर्टिकल 76 में आता है। तो
तो दोस्तों बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको चार्ट क्यों बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तीन। हम आज केंद्र सरकार पढ़ने जा रहे हैं, संघ सरकार, और संघ सरकार का उल्लेख जो लोग बाद में जुड़े हुए उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूं, हम संघ सरकार पढ़ने जा रहे हैं केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार का उल्लेख भाग 5 में मिलता है और अनुच्छेद पूछे तो 52 से लेके 151 तक मिलता है। हमने कहा सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और आपको बताए कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है 52 से लेके 78 तक, जिसमें राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आती है और महान्यायवादी आता है। इसी प्रकार आपसे पूछेंगे व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का मतलब होता है संसद, जो कानून बनाती है, और देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती है, संसद होती है, और संसद की शुरुआत कहां से होती है, 79 से। संसद की शुरुआत किससे होती है, 79 से, और संसद के दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ये निम्न सदन और ये उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसी को संसद तीन व्यक्ति आपको बताए, संसद के तीन पार्ट से मिलकर होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, तो राष्ट्रपति पहले हमने देख लिया, अब संसद के दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद का उल्लेख मिलता है 79 से 123 तक, ये हमारी एक व्यवस्थापिका। फिर हमने न्यायपालिका पढ़ी लिया, सुप्रीम कोर्ट, ये मिलता है 124 से लेके 147 तक, और फिर के का उल्लेख मिलता है 148 से लेके 151 के बीच। ये पूरा चार्ट है भाग 5 का। यदि आपने भाग 5 पढ़ लिया, यदि भाग 5 पढ़ लिया, तो भाग 5 पढ़ने का मतलब ये सारी आपकी सेंटर की पॉलिसी ऑलमोस्ट, राष्ट्रपति पढ़ लोगे इसमें, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, महान्यायवादी पढ़ना है, कंप्लीट संसद पढ़नी है, और सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ी लिया इस प्रकार, और केक पढ़ना है, तब जाके अपना भाग 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम यहां से शुरुआत करते हैं, किसकी, राष्ट्रपति की। तो देखो राष्ट्रपति के बारे में कुछ क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। पहला, राष्ट्रपति का उल्लेख किस भाग में मिलता है, भाग 5 में मिलता है। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, 52 से 62 के बीच मिलता है, क्योंकि 63 से उपराष्ट्रपति शुरू हो जाता है। राष्ट्रपति किसका भाग है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का भाग है। हाँ बिल्कुल सुमन जी, आपका बिल्कुल सही है, 79 में संसद होती है, 80 में राज्यसभा होती है, और 81 में लोकसभा होती है, बाकी विभिन्न प्रकार के प्रोविजन होते हैं, उनकी आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे राष्ट्रपति, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति, और अब मैंने ये सिनेरियो आपको समझा दिया है, आउटलाइन आपकी तैयार कर दी है, अब आपको बहुत क्लियरली हो गया कि राष्ट्रपति किसका भाग है, इसमें से राष्ट्रपति किस भाग में आता है, किस आर्टिकल में आता है। तो दोस्तों अब चलते अपने टॉपिक पर, राष्ट्रपति, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चार्ट का। देखिए आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बारे में बेसिक जानकारी मैंने बताई। राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है, भाग 5 में। दूसरा, राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, 52 से 62 के बीच। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से, अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट सेशन में, कि भारत का प्रथम कानूनी नागरिक कौन होता है, भारत का प्रथम कानूनी नागरिक कौन होता है, मैंने अभी बताया आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भारत का प्रथम कानूनी या विधिक नागरिक कौन होता है। ये तो होते हैं भारत के केवल प्रथम नागरिक, वो भारत के प्रथम कानूनी या विधिक नागरिक कौन होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में बात करें,
तो ये संघीय कार्यपालिका, संघीय का मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार की, और मैंने बताया राष्ट्रपति किसका भाग होता है, कार्यपालिका का, और ये कार्यपालिका के हेड होते हैं, कार्यपालिका के क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो संघीय कार्यपालिका का, संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो संघीय कार्यपालिका, संघीय का मतलब होता है केंद्र सरकार में जो कार्यपालिका होती है। सरकार के तीन भाग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। लोकेश मीना आपका आंसर गलत है, के को नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सोमन का आंसर, सोमन जी का बिल्कुल आंसर करेक्ट है, अटॉर्नी जनरल। लोकेश जी आपका आंसर थोड़ा गलत है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि भारत का प्रथम विधिक या कानूनी नागरिक अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है, जिसका उल्लेख 76 में मिलता है, और आपसे ये भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, और भारत सरकार के प्रथम या भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे एमसी सीतलवाड़, और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। तो संघीय कार्यपालिका का जो केंद्र सरकार में तीन होते हैं, उस कार्यपालिका का जो संविधान ने प्रमुख किसको बना रखा है, राष्ट्रपति को, संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन सा प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके के बारे में कुछ प्रोविजन आपको हमें पता भी है, भारत में कैसी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में कैसी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में संसद सर्वोच्च है। तो किसने आ सकता है, भारत में कैसी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रोविजन है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रोविजन है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रोविजन है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछती है, यूपीएससी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यही है कि संसदीय शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है, संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, संसदीय शासन प्रणाली का क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है कि भारत में, भारत सरकार में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, भारत सरकार में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, दो प्रकार के प्रमुख होते हैं। जैसे आपको होता है घर में भी दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक के पास वास्तविक शक्तियां होती है और एक के पास नाम मात्र की शक्तियां होती है। मम्मी और पापा, एक के पास वास्तविक शक्तियां होती है और एक के पास नाम मात्र की शक्तियां होती है। जिस प्रकार घर में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार हमारे देश में भी दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक के पास वास्तविक शक्तियां होती है और एक के पास नाम मात्र की शक्तियां होती है। एक के पास नाम मात्र या औपचारिक शक्तियां होती है, नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख होता है, और दूसरा वास्तविक प्रमुख होता है, दूसरा वास्तविक प्रमुख होता है, दूसरा वास्तविक प्रमुख होता है। तो आपको बता दें कि औपचारिक या नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। औपचारिक या नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जबकि जो वास्तविक प्रमुख होता है, औपचारिक और नाम मात्र का कौन होता है, राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक जो शक्तियां होती है वो मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में होती है, मंत्रिपरिषद में हाथों में होती है, और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों वापस देख लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है, संसदीय शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है। तो संसदीय शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है, भारत सरकार में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक होता नाम मात्र का प्रमुख या औपचारिक प्रमुख, और वो कौन होता है, राष्ट्रपति। दोस्तों जिसके पीछे पति लग जाए, क्या लग जाए, जिसके पीछे पति लग जाए वो नाम मात्र का होता है, जिसके पीछे पति लग जाए, राष्ट्रपति, राष्ट्र का मालिक, राष्ट्र का स्वामी, राष्ट्र का पति, कहने के नाम पर तो है लेकिन वास्तव में इसके पास नाम मात्र या औपचारिक शक्तियां होती है। वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में होती है, मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो पहला अर्थ तो यह होता है संसदीय शासन प्रणाली का। संसदीय शासन प्रणाली का जो आपका दूसरा अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है कि मंत्रिपरिषद
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह दूसरा अर्थ होता है। जो हमारे मंत्री होते हैं, मंत्री आपको बता, ऑलमोस्ट मंत्री लोकसभा से बनते हैं, लेकिन मंत्री राज्यसभा से भी बनाए जा सकते हैं, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तब आपका आंसर क्या होगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे, ये कई बार आर्टिकल भी इसका पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, आप मुझे बताएंगे ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? जल्दी से बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस लिंक के शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करोगे उतने लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा, इतने लोग जुड़ेंगे, इंटरेक्शन और ज्यादा अच्छा होगा, हेल्दी डिबेट्स होगी। जल्दी से बताइएगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल 75 क्लोज 3 में लिखा हुआ है, 75 क्लोज 3 में, और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देख लीजिए वापस, इसको मैं ऑडियो में बता देता हूं कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली के दो अर्थ होते हैं, कितने अर्थ होते हैं? दो। पहला, भारत सरकार में दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक नाममात्र होता है और दूसरा वास्तविक होता है। नाममात्र राष्ट्रपति होता है और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और इसका दूसरा अर्थ होता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये किस आर्टिकल में लिखा है? 75(3) में। यदि आपसे पूछ रहे मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3) में लिखा हुआ है। कई बार पूछा जाता है हमारे राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के किसके समान है, तो हमारा राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के सम्राट के समान है, शक्तियों के मामले में। किसके मामले में? शक्तियों के मामले में, प्रोसेस के मामले में नहीं है। हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लेकिन ब्रिटेन में जो सम्राट होता है वो वंशानुगत होता है। सम्राट बोल दीजिए या क्राउन बोल दीजिए, ब्रिटेन का जो सम्राट ये वंशानुगत होता है, लेकिन हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इसलिए भारत आपको पता है गणतंत्र है और ब्रिटेन राजतंत्र है। ब्रिटेन में राजतंत्र है जबकि भारत में गणतंत्र है, क्योंकि गणराज्य शब्द का ही अर्थ होता है कि हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, मनोनीत और वंशानुगत नहीं होता। तो हमारे राष्ट्रपति का पद शक्तियों के मामले में ब्रिटेन के सम्राट के समान होता है, क्योंकि ब्रिटेन के सम्राट के पास भी नाम मात्र की शक्तियां होती है और भारत के राष्ट्रपति के पास भी नाम मात्र की शक्तियां होती है। अब दोस्तों हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति के आर्टिकल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि वो राष्ट्रपति के आर्टिकल याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के आर्टिकल को कैसे याद करें, उसके लिए मैं आपको समझाऊंगा कि राष्ट्रपति के आर्टिकल कैसे याद किए जा सकते हैं, ताकि एग्जाम हॉल तक वो आपके साथ बने रहें, बिना रिवाइज करे भी आपके साथ रहें। तो आज हम राष्ट्रपति के आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। यहां तक आपने देख लिया, अब हम राष्ट्रपति के आर्टिकल पे चर्चा करेंगे।
देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति का आर्टिकल यदि आपसे पूछे, राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता 52 से लेके 62 तक, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। राष्ट्रपति का पद, मुझे किसी ने पूछा, मैं एक स्टोरी के रूप में आपको याद करवा रहा हूं, मुझे किसी ने पूछा, मान लीजिए इसी में से किसी एक स्टूडेंट का नाम बता देता हूं, मान लीजिए लोकेश ने, मुझे लोकेश ने कहा सर मुझे राष्ट्रपति बना दीजिए, लोकेश ने मुझे कहा कि सर मुझे राष्ट्रपति बना दीजिए, तो मैंने कहा आप राष्ट्रपति क्यों बनना चाहते हो, तो उन्होंने कहा सर राष्ट्रपति बनने से पावर आती है, राष्ट्रपति बनने से क्या मिलती है, पावर। आप किसी भी पद पे जाओगे, भले ही वो कलेक्टर के पद पे जाओगे, भले आप एसडीएम के पद पर नियुक्त होंगे, भले आप एसपी के पद पर नियुक्त होंगे, सभी पद के पीछे क्या मिलेगी आपको, पावर मिलेगी, क्या मिलेगी, पावर। तो आपको बताए कोई भी अपन किसी भी, मान लीजिए हम लोकल गवर्नमेंट में भी जाते हैं, सरपंच भी बनते हैं, जिला प्रमुख भी बनते हैं, तो भी क्या मिलती है, पावर मिलती है। तो आपको बताया पोस्ट के पीछे पावर आती है, जब पोस्ट नहीं होती तो पावर भी नहीं होता, और पोस्ट के साथ ही क्या आ जाती है, पावर। तो मुझे लोकेश ने कहा कि सर मुझे राष्ट्रपति बना दो, मैंने कहा राष्ट्रपति क्यों बनना चाहते हो, बोले सर पावर आएगी, राष्ट्रपति बनने के बाद क्या आएगी, पावर आएगी। तो मैंने लोकेश को कहा देखो लोकेश मैं अकेला आपको राष्ट्रपति नहीं बना सकता, मैं अकेला आपको राष्ट्रपति नहीं बना सकता। तो बोला सर किससे मिलना पड़ेगा, मैंने पहले कहा कि जो आपके इलेक्शन में भाग लेंगे, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, और आपको बता दूं राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा उन लोगों से संपर्क करो जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। मैंने कहा उन लोगों से संपर्क करो जो इलेक्शन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो आपको बता लोकेश सब लोगों से मिलने गया जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब देखिए मैंने कहा कि इलेक्शन की आपको प्रोसेस स्टार्ट होगी, आप जल्दी से जाके इलेक्शन के लोगों जो आपके इलेक्शन में भाग लेंगे, उन इलेक्शन में भाग लेने वाले लोगों से मिल लीजिए, क्योंकि आपको तो इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होने लगेगी, क्योंकि कुछ समय बाद ही इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली, और इलेक्शन की प्रोसेस का लो निर्वाचन की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन की प्रोसेस कैसी होती है, कि किस प्रणाली से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, न्यूनतम कोटा हासिल होना चाहिए, ये सारी बातें होती है प्रोसेस में। यदि लोकेश राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के प्रोसेस में, प्रोसेस का मतलब होता है आचार संहिता लगने के साथ ही, फिर आपको होता है आचार संहिता राष्ट्रपति आपका है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में आपको तो मतगणना होगी, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और फाइनल रिजल्ट के साथ ही प्रोसेस क्या हो जाती है, समाप्त। जिन्हें आपको बताया राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रोसेस समाप्त हुई, और आपको बताया कि लोकेश इलेक्शन जीत जाता है, लोकेश इलेक्शन जीत जाता है, तो लोकेश इलेक्शन जीत जाएगा तो उसका क्या होगा, कार्यकाल होगा, यानी लोकेश 5 साल तक कार्य करेगा, राष्ट्रपति 5 साल तक कार्य करता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, फिर कार्यकाल हो जाएगा राष्ट्रपति। आपको लोकेश चुनाव जीत जाता तो उसका क्या हो जाएगा, कार्यकाल। और जब कार्यकाल समाप्त होने लगता है तो लोकेश के मन में विचार आता है कि मैं पुनः निर्वाचन होगा या नहीं होगा, मैं पुनः राष्ट्रपति के पद पर बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैं पुनः राष्ट्रपति बनूंगा या नहीं बनूंगा। जाहिर सी बात है आप किसी भी पद पर हो, और मान लीजिए सरपंच के पद भी हो, सरपंच का कार्यकाल समाप्त होने लगता है तो सरपंच के मन में विचार आता है कि अगली बार मुझे जनता चुनेगी या नहीं चुनेगी। तो जब अगली बार चुनने को बोलते हैं री इलेक्शन या पुनः निर्वाचन, पीछे हो जाएगा पुनः निर्वाचन, कि पुनः निर्वाचन होगा या नहीं होगा। अब देखिए लोकेश के मन में विचार आ गया कि मेरा पुनः निर्वाचन होगा या नहीं होगा, और आपको बता दूं भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कि पुनः निर्वाचन होगा या नहीं होगा। अब देखो लोकेश सोचता है कि मेरा पुनः निर्वाचन दो ही आधार पर हो सकता है, एक तो मेरी एबिलिटी के आधार पर, यदि मेरे में योग्यता है तो मैं पुनः राष्ट्रपति चुना जा सकता हूं, एक तो किसके आधार पर, एबिलिटी के आधार पर, और दूसरा बॉन्डिंग यानी सेवा शर्तें, कि मैंने जनता की अच्छी सेवा की है या नहीं की है, बॉन्डिंग यानी सेवा शर्तें, ठीक है, सेवा शर्तें यदि अच्छा होगी तो मैं पुनः निर्वाचन चुना जा सकता है। और यदि पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति यदि लोकेश का हो जाता है, राष्ट्रपति एक बार आपका लोकेश एक बार पुनः राष्ट्रपति बन जाता है, तब आपको बताए वो क्या लेता है, शपथ लेता है, क्या लेता है, शपथ, और शपथ लेते ही उस पर क्या लग जाता है, महाभियोग लग जाता है,
शपथ लेते हैं उसमें क्या लग जाता है, महाभियोग। मैंने नॉर्मली बताने की कोशिश की है कि सर मुझे राष्ट्रपति बना दो। मैंने कहा राष्ट्रपति क्यों बनना चाहते हो, पावर आएगी। क्या आएगी, पावर। मैंने कहा आप इलेक्शन मंडल के लोगों से जाके मिलो, फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेस कंप्लीट होगी तो आपका कार्यकाल हो जाएगा, जीत जाओगे तो, और कार्यकाल समाप्त होगा तो पुनः निर्वाचन होगा या नहीं, अगली बार राष्ट्रपति बनोगे या नहीं, और उसी आधार पर बन सकते हो। या तो आपकी एबिलिटी, आप में एबिलिटी हो, या आपकी बॉन्डिंग यानी सेवा शर्तें अच्छी हो। और पुणे आपको जब राष्ट्रपति बना दें तो शपथ लेते क्या लग जाता है, महाभियोग। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना है, आपको तो सिर्फ एक मिनट में याद करा दिया जाएगा, सिर्फ पांच सेकंड में राष्ट्रपति के अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रपति का अनुच्छेद का कोई सा भी क्वेश्चन आए, सिर्फ पांच मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा। बस याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन कैसा आएगा समझ लीजिए, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं उसमें बात करेंगे। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख, कि राष्ट्रपति के आर्टिकल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसकी फॉर्मेट बता रहा हूं। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। पहला ऑप्शन आएगा आपके 53, दूसरा 55, तीसरा 56 और चौथा ऑप्शन आ जाएगा 58। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल जी ओम प्रकाश जी बिल्कुल बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, लेकिन वो अभी थोड़े रेस्ट फरमा रहे हैं, ठीक है, उनको भी जल्दी लाया जाएगा। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आपके चार आर्टिकल होंगे ए बी सी और डी, किसमें से किसमें मिलता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, दूसरा यूपीएससी लेवल ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, निम्न को सम्मिलित कीजिए, निम्न को सम्मिलित कीजिए, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये यूपीएससी लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न को सम्मिलित कीजिए, इस तरफ लिखेंगे सूची फर्स्ट, सूची फर्स्ट, और इस तरफ लिखेंगे सूची सेकेंड। सूची फर्स्ट में अनुच्छेद होंगे, जिसे आपसे लिख दिया अनुच्छेद 61, दूसरा लिख दिया अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, तीसरा लिख दिया आपके अनुच्छेद 58 और चौथा लिख दिया अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60, और इनको सम्मिलित करने के लिए दे दिया गया, इनको सम्मिलित करने के लिए दे दिया गया। तो देखिए इसके सामने लिख देते हैं शपथ, राष्ट्रपति के बारे में सारे शपथ यहां लिख देते हैं राष्ट्रपति, ये सारे आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में शपथ। दूसरे में लिख देते हैं निर्वाचक मंडल, इलेक्शन बोर्ड, निर्वाचक मंडल। फिर सामने लिख देते हैं महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, और फिर लिख देते हैं योग्यता। इस प्रकार के दोस्तों आपके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अब देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन का आपका पैटर्न रहेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक है, जब कभी भी राष्ट्रपति के आर्टिकल याद नहीं हो तो एक लाइन याद कर लेना। क्या लाइन रखना, एक ही लाइन याद करनी है और ये लाइन आपके एग्जाम हॉल तक साथ चलेगी। होता क्या, हम आज आर्टिकल याद भी कर लेते हैं लेकिन 10 दिन बाद जब रिवीजन नहीं होता तो 55 का 56 हो जाता है और 56 का 57 हो जाता है। तो आर्टिकल कभी आपके गलत नहीं हो, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। देखो आरपी, आरपी ने किसको कहा, ईपी को, आरपी का एक दोस्त था कौन, ईपी, तो आरपी ने किसको कहा, ईपी को कहा, और इनका एक तीसरा दोस्त था केपी। ये तीन दोस्त थे, आरपी, ईपी और केपी, ये तीन दोस्त थे, ठीक है। तो आरपी ने किसको कहा, एपी को कहा, क्या कहा, केपी अब हैंडसम हो रहा है, केपी क्या हो रहा है, अब हैंडसम हो रहा है। जब कोई दोस्त हैंडसम लगने लगता है तो ऐसा बोलते हैं अपन, कि आरपी ने किसको कहा, एपी को कहा, केपी अब क्या, केपी अब क्या हो रहा है, हैंडसम हो रहा है, केपी अब क्या हो रहा है,
हैंडसम हो सकता है, वो फेयर हैंडसम लगा रहा होगा, इस वजह से क्या हो रहा है, हैंडसम हो रहा है। तो देखिए बस एक लाइन याद रखनी है आपको, आर्टिकल का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, इसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूं। आरपी ने किसको कहा, एपी को कहा, क्या कहा, केपी अब क्या हो रहा है, हैंडसम हो रहा है, केपी अब क्या हो रहा है, हैंडसम। और मैंने कहा राष्ट्रपति कहां से शुरू होता है, भवन से, बस आपको काउंटिंग लिखनी है ऊपर, कोई भी मेहनत नहीं करनी है, एक लाइन और उसके बाद ऊपर काउंटिंग लिख दीजिए आप, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61। इस हैंडसम के है को छोड़ दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, तो इस हैंडसम को है को अपन छोड़ देते हैं। बाकी अब देख लीजिए सारे आर्टिकल याद हो गए, राष्ट्रपति 52 से शुरू होता है 62 तक, 62 में लिखा है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह में चुनाव कराना आवश्यक है, बाकी 61 तक सारे आर्टिकल याद हो गए। देख लीजिए बस एक लाइन याद रखो और ऊपर से सिक्वेंस इस पर नंबरिंग कर दीजिए, और कभी भी लाइफ में आर्टिकल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यदि मान लीजिए रिवीजन नहीं हुआ तो एक मिनट में आपका कभी भूल भी जाओ तो एक मिनट में वापस क्या हो जाएगा, रिवीजन। अब इसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल, बस एक लाइन लिखना है ऊपर नंबरिंग करना है, अब मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो दोस्तों इसमें देखिए जैसे जैसे नंबर ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ऑप्शन से कैसे, 53 के ऊपर 53 के नीचे क्या लिखा है, पी, पी से हम पढ़ रहे कार्यकाल, तो कार्यकाल किससे शुरू होता है, के से, कार्यकाल किससे होता है, के से शुरू होता है। तो देखिए 53 के नीचे क्या लगा, पी, यानी के नहीं आ रहा, पी से तो कोई बनता ही नहीं, ठीक है। 55 के नीचे भी पी लिखा है तो इसे भी नहीं मिलता है, ठीक है। और 56 के नीचे लिखा हुआ है क्या, के, 56 के नीचे क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, और के से क्या होता है, कार्यकाल। एक और चेक कर लेते हैं, 58 के नीचे ए लिखा हुआ है, यानी के नहीं लिखा हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कार्यकाल का मतलब क्या होता है, के, कैसे होता है कार्यकाल, और कार्यकाल किसमें है, 56 में, कार्यकाल किसमें है, 56 में। देख लीजिए आपका आंसर क्या होगा, सही हो गया। एक और करके देख लेते हैं, कोई सा भी करके देख लीजिएगा आप, मैंने तो दो सिर्फ फॉर्मेट बताए, बाकी आप कोई सा भी कर सकते हैं। देखिए अब सोचिए सुमेलित करना है, तो 61 के नीचे क्या लिखा है, 61 के नीचे लिखा है एम, देखिए आर्टिकल से पकड़ते हैं, 61 के नीचे क्या लिखा है, एम, और एम का मतलब इसमें क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग का कारण आर्टिकल 56 में है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है, ठीक है। तो 61 के नीचे क्या लिखा है, एम, और एम से क्या शुरू होता है, महाभियोग, एम का मतलब महाभियोग। 54 के नीचे क्या लिखा है, ई, का मतलब होता है इलेक्शन मंडल, इलेक्शन मंडल का मतलब होता है निर्वाचन, इलेक्शन का मतलब क्या होता है, निर्वाचक मंडल, ई से इलेक्शन मंडल। और 58 के नीचे क्या लिखा है, ऐसे होती है एबिलिटी, ऐसे क्या होती है, एबिलिटी, एबिलिटी को क्या बोलते हैं, योग्यता। और 60 के नीचे लिखा है एस, और ऐसे क्या होती है, शपथ, ऐसे क्या होती है, शपथ। इस प्रकार आपके आर्टिकल की क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, भले वो सुमेलित करने का दे या असुमेलित करने का दे या सिंगल आर्टिकल पूछे, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत है नहीं होगा। बस आपको इतना सा याद रखना है, आरपी ने किसको कहा, एपी को कहा, कि केपी आजकल क्या हो रहा है, हैंडसम हो रहा है, केपी आजकल क्या हो रहा है, हैंडसम हो रहा है। तो इसका अर्थ लिखवा देता हूं मैं आपको, आर का मतलब होता है राज्यपाल, राष्ट्रपति का पद, आर का मतलब होता है राष्ट्रपति का पद, पी से होता है पावर, राष्ट्रपति की पावर, पावर का मीन्स राष्ट्रपति की शक्तियां। अभी तो मैंने सिर्फ आर्टिकल याद कराए, इनको डिटेल से पढ़ना है, इनको कैसे पढ़ेंगे, डिटेल से, अभी तो सिर्फ मैंने आर्टिकल याद कराए हैं आप लोगों को। और ई से होता है इलेक्शन मंडल, इलेक्शन बोर्ड, इलेक्शन बोर्ड का मतलब होता है दोस्तों निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इलेक्शन मंडल के बाद होगी इलेक्शन की प्रोसेस, पी से होती है प्रोसेस, तो इलेक्शन की क्या स्टार्ट होगी, प्रोसेस या निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। और के से मिलता है कार्यकाल, के का मतलब होता है कार्यकाल,
और पी से होता है पुनः निर्वाचन, पू से क्या होता है पुनः निर्वाचन, और भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, पुनः निर्वाचन हो सकता है। ए का मतलब होता है दोस्तों एबिलिटी, ए का मतलब क्या होता है एबिलिटी, और एबिलिटी को बोलते हैं योग्यता। और बी से होती है बॉन्डिंग यानी सेवा शर्तें, बी से होती है बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का मतलब होता है सेवा शर्तें, सर्विस रूल्स, सेवा शर्तें। और एस का मतलब होती है शपथ, एस का मतलब राष्ट्रपति की शपथ 60 में मिलती है, और एम का मतलब होता है महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग का कारण आर्टिकल 56 में मिलता है और महाभियोग की प्रक्रिया मिलती है 61 में। और 62 तो आपको पता ही है कि 6 माह के अंदर क्या कराना पड़ते हैं चुनाव, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह में क्या कराने होते हैं चुनाव। तो ये थे आपके राष्ट्रपति के आर्टिकल कैसे याद करते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति को आर्टिकल याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, एक आप ट्रिक याद रखो और वो ट्रिक है आरपी ने ईपी को कहा केपी अब क्या हो रहा है हैंडसम, आरपी ने ईपी को कहा केपी अब क्या हो रहा है हैंडसम हो रहा है, और ऊपर नंबरिंग कर दीजिए और क्वेश्चन आपका कभी भी गलत है नहीं होगा। तो आज हमने राष्ट्रपति के क्या पढ़े हैं आर्टिकल, आज हमने राष्ट्रपति की बेसिक पृष्ठभूमि पढ़ी है, राष्ट्रपति की क्या पढ़ी है बेसिक पृष्ठभूमि पढ़ी है कि राष्ट्रपति भाग 5 में क्या क्या आते हैं, भाग 5 में राष्ट्रपति आता है, किसका भाग है कार्यपालिका का पार्ट है, फिर आपसे पूछा जाता है कौन से भाग में आता है 5 में, कौन से अनुच्छेद में 52 से 62 तक आता है, फिर हमने देखा भारत में संसदीय शासन प्रणाली है तो संसदीय शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है, और फिर राष्ट्रपति के आर्टिकल आपको याद करवाए। कल की क्लास में हम व्यवस्थित रूप से शुरू करेंगे, कल की जो क्लास होगी उसमें हम व्यवस्थित रूप से शुरू करेंगे राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से, इन आर्टिकल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो कल से हमारी वास्तविक क्लास किसकी होगी राष्ट्रपति की, जो अपन स्टार्टिंग से यानी आर्टिकल के साथ शुरुआत करेंगे। आज मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर किए हैं, पृष्ठभूमि आपको मैंने पढ़ाई है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने आपको राष्ट्रपति के आज आर्टिकल याद करा दिए हैं, घर जाके प्रैक्टिस कीजिए, बुक से उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए, आर्टिकल का कोई सा भी क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।